इस वीडियो में जो है वर्णिका का चैप्टर टू जो है ढहते विश्वास का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहे हैं। जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है एक ही वीडियो में अब खत्म हो जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक परिस्थिति का चित्रण प्रस्तुत करें। पहला क्वेश्चन, ठीक है। उसका आंसर क्या होगा, लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी की प्रमुख नायिका है, नायिका थी, ठीक है। इसके पति का नाम लक्ष्मण था, वह जो है कलकत्ता में नौकरी करता था। इसका जो लक्ष्मी का पति था वो लक्ष्मण था, वो जो कलकत्ता में नौकरी करता था, ठीक है। लेकिन उसके पैसे से परिवार का भरण पोषण नहीं होता था। जो पैसा लक्ष्मण भेजता था कलकत्ता से कमा के, उस पैसे से जो है लक्ष्मी का घर नहीं चलता था, ठीक है। बच्चे का भरण पोषण नहीं हो पाता था, जिसके कारण लक्ष्मी अपने गांव में तहसीलदार साहब के यहाँ छुटपुट काम करके, यानी बर्तन वर्तन जो है पोछा संभालती थी, छुटपुट काम करके जो है करती थी और परिवार का भरण पोषण करती थी। जो भी पैसा उससे मिलता था अपने परिवार का भरण पोषण करती थी, कौन, लक्ष्मी, ठीक है। बिल्कुल आसान है कि नहीं। चलो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से काफ़ी प्रभावित रहा है। कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से काफ़ी प्रभावित रहा है, ठीक है। उसका आंसर हो जाएगा, उड़ीसा का जनजीवन सदियों से बाढ़ और सूखा से प्रभावित रहा है। उड़ीसा का जो जनजीवन है वो सदियों से, यानी काफ़ी साल से जो है बाढ़ और सूखा से प्रभावित रहा है, ठीक है। इस कहानी में बताया गया है कि सूखा के कारण उड़ीसा में रहने वाले काफ़ी व्यक्तियों की स्थिति क्या हो गई है, दयनीय हो गई है, खराब हो गई थी, ठीक है। वहाँ के किसान अपने अपने खेतों में धान की बुआई किए थे, लेकिन धूप के कारण जलकर सुहा हो गया, ठीक है। जल क्या हो गया, जलकर सुहा हो गया था और कुछ नहीं बचा था। वे लोग बारिश का इंतजार कर रहे थे, उसके बाद मूसलाधार बारिश होता रहा। बारिश का इंतजार, जब पूरा जलमग्न हो गया तो बारिश का इंतजार लोग कर रहे थे। उसके बाद इतना बारिश होने लगा कि बाढ़ आने की समस्या बढ़ गई, ठीक है। और बाढ़ आने पर वहाँ के लोग का जनजीवन समाप्त हो गया, और बाढ़ आने इतना बाढ़ आ गया कि वहाँ के लोग जो है बाढ़ से जो है मर गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो तुम तो, अगला क्वेश्चन है, कहानी में आए बाढ़ के दृश्यों का चित्रण अपने शब्दों में करें। अपने शब्द में जो करना है, तो प्रस्तुत पंक्ति में आए बाढ़ का चित्रण बड़ा ही भयानक है। लगातार बारिश होने के कारण वहाँ के लोगों को बाढ़ आने की पूरी संभावना थी। बारिश जब 1 महीना तक लगातार हुआ तो वहाँ के लोगों को संभावना हो गया कि बाढ़ आएगा ही आएगा, ठीक है, पूरी संभावना थी, ठीक है। लक्ष्मी के घर के निकट एक दलेई बांध था जो पूरे राज्य के पानी को नहीं रोक सकता था, जिससे चारों ओर हाहाकार मच जाती है। उस गांव में एक टीला है, उस गांव में क्या, एक टीला है। लोग जान बचाने के लिए उस टीले पर चले जाते हैं, ठीक है, और कुछ लोग मर जाते हैं और कुछ लोग अपनी बीवी बच्चों को खोजने में लगे रहते हैं, जिसमें लक्ष्मी के चारों बच्चे दहकर मर जाते हैं। और दृश्य को देखकर, या और यह दृश्य को देखकर जो है लोग भगवान को याद करते हैं, लेकिन भगवान बचाने नहीं आते हैं, लेकिन भगवान बचाने नहीं आते हैं, जिसके कारण भगवान पर से विश्वास उठ जाता है, जिसके कारण भगवान पर से विश्वास ढह जाता है या उठ जाता है,
इसलिए इस कहानी का जो है शीर्षक रखा है ढहते विश्वास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कहानी के दृश्यों की सार्थकता स्पष्ट करें पर विचार करना है। कहानी के दृश्यों की सार्थकता पर क्या करना है, विचार करना है। ठीक है, बहुत ही आसान है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ढहते विश्वास कहानी की शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट है क्योंकि लक्ष्मी इस कहानी का मुख्य नायिका है। वह भगवान पर अटूट विश्वास करती है लेकिन भगवान सहायता नहीं करते हैं, जिसके कारण लक्ष्मी का घर और परिवार सब लूट जाता है और भगवान पर से लक्ष्मी का विश्वास उठ जाता है। ठीक है, इसलिए इसका कहानी का नाम रख दिया ढहते विश्वास। ढह गया इनका विश्वास जो है, लक्ष्मी का विश्वास क्या हो गया, ढह गया। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें। देखो जी, आंसर हो जाएगा लक्ष्मी कहानी की नायिका है। वह उड़ीसा के लोगों को समान रूप से देखती थी। वह अपने बड़े लड़के अच्युत को बांध के निगरानी के लिए भेज दिया था। लक्ष्मी अपने लिए नहीं बल्कि सभी के लिए भगवान से प्रार्थना करता था कि करती थी कि हे भगवान, उड़ीसा को बाढ़ से बचा लीजिए। लक्ष्मी जो है बहुत ही अच्छी लड़की, अच्छी औरत थी, है ना। अगला क्वेश्चन है, बिहार का जनजीवन भी बाढ़ और सूखा से प्रभावित होता रहा है, इस संबंध में आप क्या सोचते हैं? बिहार का जो जनजीवन है वो भी बाढ़ और सूखा से प्रभावित रहा है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? ठीक है, उसको लिखना है। तो बिहार भी बाढ़ और सूखा के प्रकोप से बचे नहीं है, यानी उड़ीसा तो नहीं बचा है लेकिन बाढ़ भी, ये बाढ़ और सूखा के प्रकोप से नहीं बचा है। यहाँ की नदियाँ बारिश के दिनों में उफान का रूप ले लेती है और नदियों का जल स्तर तेजी से बढ़ने लगता है। जैसा कि कहानी में बताया गया है ठीक है, प्रत्येक वर्ष बिहार के कुछ क्षेत्रों में बाढ़ संभावना बनी रहती है, जिसके कारण जान माल की भारी क्षति होती है। दूसरी तरफ कई जिलों में सूखा से प्रभावित होता है, कई जिले जो है सूखा से प्रभावित होते हैं बिहार के, और तो कई जिले जो है बाढ़ से प्रभावित होते हैं। ठीक है, जिसके कारण लोगों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है। अतः यह दोनों कारणों से बिहार के जनजीवन काफ़ी परेशान रहा है। अगला क्वेश्चन है, कहानी का सारांश प्रस्तुत करें। ढहते विश्वास कहानी के लेखक सात कोड़ी होता जी हैं। इस कहानी में लेखक एक लाचार औरत को दिखाया है। इस कहानी की प्रमुख नायिका लक्ष्मी है। लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण है और लक्ष्मण का चार संतान है। लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम अच्युत है। लक्ष्मण जो है कोलकाता में रहते हैं। कुछ पैसे लक्ष्मी को भेजता था लेकिन उससे उसका घर नहीं चलता था, यानी कुछ पैसे जो है लक्ष्मण जो है कलकत्ता से भेजता था लेकिन लक्ष्मी का उस पैसे से घर नहीं चलता था, जिसके कारण लक्ष्मी गांव में तहसीलदार साहब के यहाँ छिटपुट का नौकरी करती थी। छिटपुट नौकरी मतलब होता है घर में बर्तन पोछा करना, ठीक है, और अपना परिवार का भरण पोषण करती थी। बाढ़ और सूखा से होने वाले समस्या से लक्ष्मी और गांव के लोग परेशान थे। जो कहानी में जो है बाढ़ और सूखा से होने वाले जो भी समस्या थी उससे जो है लक्ष्मी और लक्ष्मी के गांव वाले लोग जो भी सभी क्या थे, परेशान थे। ठीक है,
बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और इसका जितना भी 70 क्वेश्चन था बिल्कुल हम लिखवा चुके हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर दें ताकि वीडियो बनाने में जो है कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्टिव आप नहीं देखे हैं तो आप पिछले वीडियो में जो है इसका ऑब्जेक्टिव डाल दिए हैं, आप जाके देख लें।